टेनिस बॉल क्रिकेट गोवा तमिलनाडु अगले चक्र में प्रवेश। टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के तत्वाधान में 29वीं जूनियर राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप 2021-22 बालक बालिका का आयोजन डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम LNMU परिसर दरभंगा में किया गया, जिसका उद्घाटन प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह कुलपति ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा ने किया। मुख्य अतिथि मोहम्मद अली अशरफ फातमी, पूर्व केंद्रीय मंत्री विशिष्ट अतिथि डॉक्टर फराज फातमी, पूर्व विधायक क्योटी प्रोफेसर मुश्ताक अहमद, कुल सचिव ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय मोहम्मद बाबर अयूब, चेयरमैन CBCFI एव इमरान अहमद लारी, महासचिव टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया उपस्थित थे। प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर अपने संबोधन में प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह माननीय कुलपति LNMU ने देश के विभिन्न राज्यों से आए हुए सभी खिलाड़ियों से खेल की भावना से खेलने हेतु प्रेरित करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना किया। मोहम्मद अली अशरफ फारती ने इस प्रकार के आयोजन का दरभंगा जिला में करवाने पर आयोजक का आभार प्रकट करते हुए उपस्थित खिलाड़ियों से एक बेहतर खिलाड़ी बन देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी के रूप में स्थापित होने की कामना किया। बिहार टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के सचिव जावेद अनवर ने सभी टीमों को विकट परिस्थितियों में भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आभार प्रकट किया। उद्घाटन मैच बालक वर्ग में गोवा बनाम कर्नाटक के बीच खेला गया, जिसमें गोवा की टीम ने 91 रनों से विजय प्राप्त किया। बालक वर्ग का दूसरा मैच तमिलनाडु बनाम आसाम के बीच खेला गया, जिसमें तमिलनाडु की टीम ने 16 रनों से विजय रही। तीसरा मैच बालक वर्ग में गोवा बनाम जम्मू एंड कश्मीर के बीच खेला गया, जिसमें गोवा की टीम 29 रनों से विजय प्राप्त किया। चौथा मैच बालक वर्ग में राजस्थान बनाम उड़ीसा के बीच खेला गया, जिसमें राजस्थान की टीम 16 रनों से विजय रही। पांचवा मैच बालक वर्ग में हरियाणा बनाम तेलंगाना के बीच खेला गया, जिसमें हरियाणा की टीम 41 रनों से विजय रही। छठा मैच बालक वर्ग में राजस्थान बनाम पुडुचेरी के बीच खेला गया, जिसमें राजस्थान की टीम 21 रनों से विजय रही। जबकि बालिका वर्ग का प्रथम मैच राजस्थान बनाम गोवा के बीच खेला गया, जिसमें राजस्थान की टीम विजय रही। कल का मैच प्रातः 7:30 बजे से नागेंद्र झा स्टेडियम में खेला जाएगा। भंडारा आगाज किया जा रहा है और आप यहां पर देख रहे हैं, पहले गुजर रही है आसाम की टीम। आसाम की टीम बिल्कुल मंच के समक्ष गुजरती हुई, इसके बाद CBSE की टीम मंच के समक्ष से गुजरती हुई, इसके बाद गोवा की टीम मंच के समक्ष से गुजरती हुई, गोवा के बाद आप देख रहे हैं हरियाणा की टीम यहां से गुजरती हुई। हरियाणा के पीछे तैयार हैं जम्मू और कश्मीर की टीम, JNK की टीम। भारत वर्ष का एक अभिन्न हिस्सा जम्मू कश्मीर यहाँ पर बिल्कुल हमारे समक्ष से गुजरते हुए, जम्मू कश्मीर के पीछे हमारा पड़ोसी राज्य जो कभी बिहार के ही साथ था, झारखंड। झारखंड के बाद कर्नाटका की टीम, कर्नाटका के बाद केरला की टीम, केरला की टीम इस समय आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र की टीम और उसके पीछे है मध्य भारत की टीम। मध्य भारत के बाद नागालैंड के बाद उड़ीसा की टीम के बाद पांडिचेरी की टीम। पांडिचेरी के बाद पूर्वांचल की टीम,
हमारे समक्ष से गुजरती हुई पूर्वांचल की टीम। और ये देखिए हमारे भारत की आन बान और शान पंजाब की टीम। पंजाब की टीम के पीछे राजस्थान की टीम। राजस्थान की टीम राजस्थान के बाद यहां पर आप देख रहे हैं कि सिक्किम की टीम। सिक्किम के बाद तमिलनाडु की टीम आप देख रहे हैं कि प्रवेश कर रही है मंच के सामने से सलामी देते हुए हमारे उद्घाटनकर्ता मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथियों को। और उसके बाद तेलंगाना उत्तराखंड की टीम, बिहार का पड़ोसी राज्य। और अब खिलाड़ियों से स्थानीय दर्शकों से तालियों की गड़गड़ाहट चाहेंगे बिहार की टीम। बिहार की टीम यहां से गुजरते हुए सबों के हृदय के स्पंदन को कंपित करने वाली बिहार की टीम यहां से